हेडलाइंस अब खबरें विस्तार से। रेलवे ने अपने विकास की कार्य योजनाओं और गत वर्ष से अब तक उपलब्धियों को बताने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1500 करोड़ से भी ज्यादा विभिन्न कार्यों के लिए आवंटन किए गए हैं। रेलवे इस फंड से पीपीपी मॉडल पर अधिकांश विकास कार्यों को पूरा करेगा, जिसे बड़ी चुनौती भी बताई जा रही है। आधारभूत संरचना को विकसित करना आज रेलवे की पहली प्राथमिकता है, ताकि आने वाले दिनों में देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था को परिवहन के माध्यम से एक नई मजबूती दी जा सके। ये बातें महाप्रबंधक की प्रेस वार्ता में जीएम सत्येंद्र कुमार ने कही। नवंबर 2014 से अक्टूबर 2015 तक एसएससीआर की प्रमुख गतिविधियों में बेहतर परफॉर्मेंस की जानकारी देते हुए लादान और माल भाड़ा में बढ़े रेशियो की जानकारी दी गई। हमने जो भी प्रोजेक्ट साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने विगत वर्षों में मांगे थे, वो तकरीबन सभी के सभी सैंक्शन हो गए हैं। हमारी टीम इस पे जुट गई है और इस पे कार्य करने में। बुनियादी ढांचे का निर्माण और विकास में गोंदिया बालाघाट और चापाझार सुकड़ा तीसरी लाइन को इस वर्ष पूरा करने लक्ष्य को बताया गया। रायगढ़ भूपदेवपुर 104 किलोमीटर और गेवरा रोड पिंडा रोड 122 किलोमीटर तक रेल लाइन विस्तार को राज्य सरकार और एसएससीएल की मदद से पूरा करने की जानकारी दी गई। इसके अलावा आगामी 2-3 वर्षों के 6 बड़े परियोजना, करोड़ों अरबों के विकास कार्यों के बारे में जानकारी जीएम ने दी। हमारे लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि अक्टूबर के महीने में ज़्यादातर हम लोग 6,200-6,300 वैगन एक दिन के अंदर लोड करते थे। अक्टूबर के महीने में हम लोग 10 दिन ऐसे रहे हैं जिसमें 7,000 से ऊपर क्रॉस किए, और 31 अक्टूबर को तो हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की अक्टूबर महीने की हिस्ट्री में 7,922 इतने वैगन लोड किए, जो कि रिकॉर्ड है अभी। आरओबी आरयूबी का उन्मूलन, ट्रेनों की क्षमता में वृद्धि, गाड़ियों की समयबद्धता, रेल विद्युतीकरण और विकास, यात्री सुविधा, यात्री सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण संबंधी विस्तृत जानकारी देते हुए रेलवे प्रबंधन ने फंड की कोई कमी नहीं होने की बात कही। साथ ही 1,702 करोड़ और 14 करोड़ की प्रस्तावित राशि में सभी परियोजना को मूर्त रूप देना चुनौती भी बताया। 1,702 करोड़ रुपए इस वर्ष हमको इस बजट में मिले हैं, जो कि एक हमारे लिए चुनौती है। प्लस 1,400 करोड़ और मिलेंगे ईबीआईआरएफ में। तो इतने सारे पैसे खर्च के प्रोजेक्ट करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारतीय इस साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के लिए। आने वाले समय में बिलासपुर वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में एयरपोर्ट की तरह विकसित होने वाला है। इसके लिए पीपीपी मोड पर कार्य योजना बना ली गई है। मल्टी लेवल पार्किंग, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी कई नई सुविधाएं स्मार्ट शहरवासियों को स्मार्ट स्टेशन में मिलेगी। वर्ष 2018 तक ये तमाम कार्य पूरे करने के लक्ष्य हैं। कैमरा पर्सन सतीश बाटवे के साथ मनीष मनसागर, सिटी न्यूज बिलासपुर।